स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे भाई। और आपके सामने एक न्यूज़पेपर की कटिंग इस वक्त मैंने ओपन कर रखी है, जो सब स्टूडेंट्स ने, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने देख ली है। और मेरे पड़ोस में ना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग करस्पॉन्डेंस के कुछ बच्चे हैं, उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखा और बोला, मैम ये देखो, क्या ये बात सच है? मैंने भी ये देखा और फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो बनाया था मैंने, उस वीडियो को भी आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। और आप इसमें लिखा हुआ है, सबने पढ़ा होगा, फिर भी एक बार बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ था कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यानी प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं ना, बिना परीक्षा दिए हुए प्रोन्नत करवा दिए जाएंगे, यानी प्रमोट करवा दिए जाएंगे दूसरी क्लास में, थर्ड ईयर में, और फर्स्ट ईयर वालों को सेकेंड ईयर में। तो भाई स्टूडेंट का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको मैं ये आगाह करना चाहती हूँ, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ नॉट करेक्ट न्यूज़, डोंट बी हैप्पी। आपके एग्ज़ाम्स, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। ये कटिंग बहुत जगह घूम रही है और इसमें जो है काफ़ी बच्चे जो है लपेटे में आ भी चुके हैं, लेकिन आपका माइंड वॉश करना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि इस कटिंग के, इस न्यूज़पेपर के पीछे अपना दिमाग ख़राब ना करें और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें, ठीक है। ये मेरे को बताना था। अभी मैं आपको एक नया अपडेट बताती हूँ वेबसाइट पर जाकर तो थोड़ा सा वेट कीजिए, चलते हैं हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। इसको मैं कर देती हूँ बैक, चली जाती हूँ मैं, और इसमें हम खोल लेते हैं, एक सेकेंड, क्रोम कहाँ है, क्रोम साइट मैंने ओपन कर दी है, ठीक है। और अब इसमें हम डाल देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU डाल देते हैं, खोलती रहती हूँ मैं तो वेबसाइट, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। और आपके सामने खुल चुकी है दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट। अब आप जो है, आप समझ गए होंगे, वो जो न्यूज़पेपर है उसके पीछे माइंड को ज़्यादा नहीं दौड़ाना है और आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। और आपको मैं एक बहुत बड़ी अपडेट बताती हूँ कि सारे यानी 50% स्टूडेंट्स को तो इस चीज़ के बारे में पता चल चुका है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने आज जो है बताया हमें कि 3 मई 3 मई तक जो है लॉकडाउन बढ़ चुका है, ठीक है। और 3 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ चुका है तो फिर दोबारा हम पे लग चुकी है पाबंदी। स्टूडेंट सोच रहे थे 14 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। 14 तारीख के बाद लॉकडाउन और बढ़ गया 15-16-17 दिन का, और आपको इस चीज़ का पालन करना है। जो 7 चीज़ें उन्होंने बताई हैं उन चीज़ों का आपको पालन करना है। अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, नीचे हम इस कर्सर को करते हैं, देखते हैं कोई नया नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन सेक्शन में हम चले गए। हाँ, एक नोटिस तो आया है, इसको खोल के देख लेते हैं, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन को। एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन को हमने खोल लिया है और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो वो न्यूज़पेपर था और इस नोटिस का जो है कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन इस चीज़ से ये तो पता चलता है कि यूनिवर्सिटी जो है अलर्ट है। कोई भी अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा तो वो सबसे पहले कहाँ डाला जाएगा, वेबसाइट पर, ठीक है। आपको इधर उधर कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट एक विश्वसनीय चीज़ है हर बोर्ड के लिए। गवर्नमेंट ने बोर्ड से, जो एजुकेशन बोर्ड है हमारा, एक निर्धारित किया है वेबसाइट, उस वेबसाइट पर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सुविधा कन्वीनियंस के लिए नोटिसेस डाले जाते हैं, नोटिफिकेशंस डाले जाते हैं। फ़िलहाल हम इसको पढ़ लेते हैं। In continuation to this office notification dated this with respect to and semester and year, जो semester वाले हैं और year वाले हैं, annually year end examination to be conducted by the university के द्वारा करवाए जाएंगे। It is hereby notified for information to all concerned, सबको सूचित किया जाता है, दैट द शेड्यूल एंड डिटेल गाइडलाइंस ऑफ ऑल सच एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट।
सबको सूचित किया जाता है कहाँ पर, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, विच इज़ www.du.ac.in, which is front of you on the screen, you can see. In due course of time, in compliance with the statutory direction and advisories issued by the Government of India, Government of NCT of Delhi, from time to time in connection with the outbreak of COVID-19 pandemic. आपको पता है कि NCT के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ये जो वेबसाइट है, टाइम टाइम पर जो है आपको सूचनाएं मिलती है इस वेबसाइट पर, जो मैंने आपको अभी बताई. देयरफॉर इसलिए ऑल द कंसर्न्ड आर एडवाइज्ड टू फ्रिक्वेंटली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट द यूनिवर्सिटी ऑफ एनी अपडेट्स. किसी भी अपडेट के लिए कंसर्न्स को एडवाइस किया जाता है कि लगातार फ्रिक्वेंटली विजिट कीजिए कहाँ पर, वेबसाइट पर. नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द एकेडमिक कैलेंडर एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल गाइडलाइंस, आपके जो भी एग्जामिनेशन के तहत जो भी गाइडलाइंस होंगी वो कहाँ आपको दिखाई जाएंगी, इस वेबसाइट पर. सच इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी शुड बी कंसिडर्ड ऑथेंटिक. ठीक है, तो बहुत मेन पार्ट है वेबसाइट पे, तो भाई आपको लगातार बने रहना है. और सिमिलरली स्टूडेंट रजिस्टर्ड विद द रेगुलर कॉलेजेस स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL, दैट मींस एंड नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड, विच इज शॉर्ट फॉर्म इज NCWEB, आर ऑल्सो एडवाइज टू रिली ऑन देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट इन एडिशन to the university website for such updates. चाहे आप हो regular college के student, चाहे आप हो open learning यानी सोल के student, चाहे आप हो non-collegiate women's education यानी short form में बोल देते हैं NCWEB के student, आपको जो है advice किया जाता है कि आप इस website पर लगातार बने रहें. ठीक है, और इस वेबसाइट को चेक करते रहें. चलिए, ये तो था आपका नोटिफिकेशन, ये आप सबने पढ़ भी लिया होगा. और इसके लिए मैंने एक लास्ट वीडियो भी बनाया था, मैंने आपको दोबारा रिपीट करा दिया कि बेकार के चक्करों में मत पड़े रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें. अब आप सोचते होंगे पढ़ाई करते करते तो हम थक चुके हैं, पढ़ाई तो हमारी पूरी हो चुकी है, पर एग्ज़ाम्स का कोई अता पता नहीं है, एग्ज़ाम की कोई डेट शीट नहीं है, एग्ज़ाम का पता नहीं चल पा रहा कि होंगे कब होंगे नहीं होंगे. कुछ तो पता चल जाए, आखिर हमें कहीं से कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल जाए. तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में तो अभी कोई नहीं जानता. जब तक वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए, ऐसे न्यूज़पेपर्स बहुत छपते रहेंगे, आर्टिकल्स बहुत छपते रहेंगे और न्यूज़ बहुत आती रहेगी. इवोल्यूशन तो आपको करना है, क्या सही जानकारी है क्या नहीं है. ठीक है, कहाँ से हमें सही जानकारी मिलती है, कहाँ से हमें सही जानकारी नहीं मिलती है, सारे स्टूडेंट समझदार हैं. ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बनो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को डेली देखो, जो मैंने आपके सामने ये खोल रखी है, सबसे ऊपर ब्रोशर में इसका एड्रेस डाला गया है, इस पर जाओ, न्यू नोटिस के सेक्शन में जाओ और यहाँ पे आपके सारे नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं. सिंपली यहाँ पे देखो, कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, प्रेस रिलीज में भी जाओ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन होल्ड फॉर एडमिशन 2020-21 April 3 को आया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था. प्रेस रिलीज में जाओ, नोटिफिकेशन में जाओ, लेटेस्ट में जाओ, लेटेस्ट में आपके सामने तो पेज ओपन हो ही जाता है, होम पेज ही है ये तो. ठीक है, तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मिलेगी इन्फॉर्मेशन. और चाहो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि टाइम टाइम पर मैं भी आपको अपडेट देती रहूं और आपको टाइम टाइम पर पता चलता रहे कि आखिर क्या चल रहा है. अब 3 मई तक तो आप लगा लो लॉकडाउन बढ़ चुका है, लेकिन लॉकडाउन के बीच में ही आपके पास एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन आया है, तो अब ये सोच के मत बैठ जाना कि एग्ज़ाम के बीच में नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा.
ओ लॉकडाउन के बीच में हो सकता है एग्जामिनेशन लॉकडाउन के बीच में कोई एग्ज़ाम का नोटिस आ जाए, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है अभी। स्टे एट होम, बी बीवेयर, बी सेफ एंड गुड बाय। थैंक यू।